तो मित्रों आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की, और ये भी बात करेंगे कि जो भी ये राशि है तो उनपे उनके घर के लोगों की नजर बनी रहेगी। जी हाँ, आप पर आपके घर वालों की नजर परस्पर बनी रहेंगी। लेकिन उससे पहले, राशिफल से बात करने से पहले, मैं ये विनती करना चाहूंगा आपसे कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। तो मित्रों बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले आता है मेष राशि। मेष राशि वालों, व्यवसाय से संबंधित फैसला लेने से पहले उसके बारे में फिर से सोच विचार कर लें। जी हाँ, इस समय के लिए जो लिए हुए फैसले के नतीजे हैं वो दूर भविष्य तक आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इमरजेंसी खर्च हो सकते हैं आपसे, और कुछ ऐसा खरीदना पड़ सकता है जिसके लिए आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा, और इस खरीदारी के लिए हो सकता है आप उधार लेना पड़ सकता है, और किसी बात को लेकर मन में व्यथित हो सकता है। वृषभ राशि, धन कमाने के जो जरिए आपको मिलेंगे और धन कमाने की दिशा में आपके प्रयास जो हैं वो सार्थक होंगे। व्यवसायिक परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेगी और बनी हुई भी है। आप करियर को आगे बढ़ाने के बारे में विचार कर सकते हैं। नौकरी अगर बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बिल्कुल अनुकूल है, और किसी अपने की दल से मदद करने के इच्छुक रहेंगे लेकिन वो आपसे मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। मिथुन राशि, प्रॉपर्टी विवाद ने आपकी नींद उड़ा रखी है, देख लीजिए, और प्रॉपर्टी विवाद का फैसला भाईचारे के साथ हो जाएगा, आपको फायदा ही होगा। कार्य क्षेत्र में हलचल मची रहेगी, आपको किसी खास प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका मिलेगा। सहकर्मी जो है आपके, वो आपके विचारों से सहमत होंगे और आप तो आपके बताए गए तरीके से काम करने पर वो राजी भी हो जाएंगे। घर में मेहमान आ सकते हैं, ये मेहमान आपके साथ खुशी लेकर आएंगे और इनके आने से घर में रौनक आएगी। जी हाँ, बात करते हैं कर्क राशि वालों की। नौकरी की तलाश कर रहे हैं युवाओं को जॉब मार्केट के लिए तैयार होना होगा। नौकरी कम है और उसके लिए एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं, कंपटीशन बहुत है। घर के लोगों की नजर आप पर बराबर बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपको किसी और काम को सौंपा जा सकता है। यहाँ सिंह राशि वालों, किसी भी मौके को हाथ से न जाने दें, अवसरों से भरा समय है, चौकस रहिए, सफलता निश्चित है। जिसे पसंद करते हैं उससे मुलाकात होने की संभावनाएं बन रही है। आर्थिक सुख समृद्धि बनी हुई है और समय के साथ बेहतर ही हो रही है। सेहत की खातिर जो नियमित रूप से कसरत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको आराम की अहमियत भी समझनी होगी, जरूरी है। कन्या राशि, करियर में ही बिजी है, जो प्राइवेट लाइफ है, निजी जीवन है, तो उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। जीवन में तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। छात्रों के लिए दिलचस्पी किसी नई फील्ड में हो सकती है, जाग सकती है, लेकिन ये समय मन को भटकाने का नहीं है। धन संबंधी मामलों में घर के बड़ों से सलाह मशवरा कर लीजिए और दूसरों के प्यार के प्रति असंवेदनशील न रहें। जी हाँ, उनकी भावनाओं की कद्र करें आप। तुला राशि, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेंगे, अपने विचारों को नया रूप देने के लिए सही समय है। क्रिएटिव कामों में जुड़े जो जातकों के लिए सफलता की योग बन रहे हैं। कमीशन एजेंट्स के लिए फायदे का समय है और अच्छे रिटर्न आएंगे आप। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति हिली हुई प्रतीत हो रही है, इस कारण उन्हें हाथ कस कर चलने की जरूरत है, खर्चा में कटौती करनी होगी आपको। वृश्चिक राशि, नए काम की शुरुआत करने के लिए भाग्यशाली समय है, आपको इस काम में निश्चय ही सफलता मिलेगी। हाँ, फिजूल खर्ची को लेकर आप जरूर थोड़ा परेशान हो सकते हैं, इस कारण घर के किसी सदस्य से थोड़ा सा लूट छूट हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। किसी के साथ कार पुल कर ऑफिस आने के जाने की कार्यक्रम बन सकता है, और किसी के साथ कार पुल कर ऑफिस आने जाने की कार्यक्रम बन सकता है। धनुराशि, अपनी बातों या हरकतों से आप किसी के दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं। स्टूडेंट जो है वो रेगुलर ना रहने के कारण पिछड़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, अपडेट रहिए पढ़ाई लिखाई। कार्य क्षेत्र में किसी विचार पर अमल करना चाहते हैं और ये विचार आपके दिलो दिमाग पर हावी हो गया है, कमाई के नए जरिए खोजने में व्यस्त रहेंगे, कोई आपसे अपना कोई राज शेयर कर सकता है। जी हाँ, मकर राशि, लंबे अरसे बाद किसी मित्र से मुलाकात होगी, गप्पाजी भी समय बीतेगा, गप्पाजी में मतलब आप अपनी कहिए वो अपनी सुनाएंगे आपको, अच्छा समय जाएगा। किसी समस्या का समाधान भी इस दौरान आपको मिलने वाला है, और क्रिएटिव लोग, जो क्रिएटिव कामों से जुड़े लोगों हैं, जो लोग हैं, अपना हुनर दिखाने का मौका है कि सर मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिसके जरिए आपको कमाई भी अच्छी हो जाएगी। आपका मूड खराब रह सकता है लेकिन इसके बावजूद
घर में सुख शांति कायम रखने में आप जो है वो प्रयास में आप रहेंगे, वो अच्छा है, सराहनीय है। कुंभ राशि, प्रेमी या प्रेमिका के साथ तना तनी का माहौल बन सकता है। कार्य क्षेत्र में इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। आपको मान सम्मान मिल रहा है, बड़ा ओहदा मिल गया है, धन वर्षा का योग भी बन रहे हैं और बने हुए भी हैं, कोई कमी नहीं है। बस काम से जुड़े आपके विचार नए और प्रभावशाली हैं। यहाँ मीन राशि, प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपका भी वही है, तनातनी का माहौल बन रहा है, तालमेल आपको भी बनाए रखने की जरूरत है, कोशिश कीजिए। और कार्य क्षेत्र में इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। आपको मान सम्मान मिल रहा है, आपको भी बड़ा ओहदा मिल गया है, धन की वर्षा होगी, योग बन रहे हैं, कोई कमी नहीं है, सेम है आपका भी। बस काम से जुड़े आपका जो विचार है वो थोड़ा नया है आपके साथ और इम्पैक्टफुल है, प्रभावशाली है। तो मित्रों, ये थी आपके साप्ताहिक राशिफल। मैं आपके साथ आगे ऐसे ही बना रहूंगा।